नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस ने दी भारत में दस्तक, दो संदिग्ध मरीजों को रखा गया अलग वार्ड में। शाहीनबाग प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले, जिंदा वाली आजादी चाहिए या भारत माता की जय। निर्भया के दोषी फांसी से बचने के लिए अपना रहे नए नए तरीके, दोषियों के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट का किया रुख। भारत ने 19वें ओवर में ही न्यूजीलैंड को हराया, T20 सीरीज में जीत से किया आगाज। चाइना के बाद खतरनाक कोरोना वायरस ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। मुंबई में दो संदिग्ध मरीज मिले हैं जिन्हें कि अस्पताल में विशेष निगरानी में रखा गया है। मुंबई में कोरोना वायरस के दो संदिग्ध मामले सामने आए हैं। दोनों संदिग्धों को कस्तूरबा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, फिलहाल उनका परीक्षण कराया जा रहा है। और इस बीच कोरोना वायरस से चीन में 26 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 830 लोग संक्रमित हैं। जानकारी के मुताबिक चीन से लौटे दो लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। दोनों मरीजों को कस्तूरबा अस्पताल में अलग वार्ड में भर्ती कराया गया है। वही केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, आइए सुनिए। कि शाहीनबाग का आंदोलन भी आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस की मिलीभगत है। वहां क्या देख रहे हम, नारे हो रहे जिन्ना वाली आजादी। अब दिल्ली के मतदाताओं को भी तय करना पड़ेगा कि आपको जिन्ना वाली आजादी चाहिए या भारत माता की जय चाहिए, इसका फैसला करना। निर्भया मामले में आगामी 1 फरवरी को होने वाली फांसी से बचने के लिए दोषी रोज नए नए तरीके अपनाते हुए दिख रहे हैं। तीन दोषियों विनय कुमार शर्मा, पवन कुमार गुप्ता और अक्षय सिंह ठाकुर के वकील AP सिंह ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया है। वकील AP सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने अब तक संबंधित पेपर उपलब्ध नहीं कराए हैं, जिससे वह फांसी की सजा पाए विनय कुमार शर्मा, पवन कुमार गुप्ता और अक्षय सिंह ठाकुर की क्यूरेटिव पिटिशन और दया याचिका दाखिल कर सके। अगर तीनों ने सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका दायर की तो 1 फरवरी को होने वाली फांसी टल जाएगी। अगर याचिका खारिज हो भी गई तो भी इन तीनों के पास राष्ट्रपति महोदय के पास दया याचिका दायर करने का विकल्प मौजूद है। अदालत ने हाल ही में दोषियों के खिलाफ मौत का वारंट जारी किया था और 1 फरवरी को मृत्युदंड की सजा की तारीख तय की थी। शाहीनबाग में जिस तरह से प्रदर्शन जारी है उस पर रोज आए दिन नेता नए नए बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और कपिल मिश्रा ने जो ट्वीट किया इस पर भी तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को भी अब बीच में आना पड़ा। BJP नेता और प्रत्याशी कपिल मिश्रा बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं और दिल्ली चुनाव से पहले ये मुश्किलें खुद कपिल ने ही खड़ी की हैं। कपिल मिश्रा ने दो ट्वीट किए थे जिसमें उन्होंने कहा, आप और कांग्रेस ने शाहीनबाग जैसे मिनी पाकिस्तान खड़े किए हैं, जवाब में 8 फरवरी को हिंदुस्तान खड़ा होगा। जब जब देशद्रोही भारत में पाकिस्तान खड़ा करेंगे तब तब देशभक्तों का हिंदुस्तान खड़ा होगा। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। चुनाव आयोग ने उनके इन्हीं ट्वीट पर नोटिस थमाया है। योग गुरु से बिजनेसमैन बने बाबा रामदेव ने 2020 की चुनौतियों के बारे में अपने विचार रखे और साथ ही उन्होंने देश भर में चल रहे आंदोलन पर भी अपने विचार प्रकट किए। योग गुरु से बिजनेसमैन बने बाबा रामदेव ने साल 2020 की चुनौतियों पर बात की। सभी क्षेत्रों में भारत को हम एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाए हैं, जिससे कि करीब 50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है, उससे हम देश को निजात दिला सकें और अकेले एडिबल ऑयल पर ही हम आगे 5 साल काम करें तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए बाहर जाने से हम बचा सकें। शाहीनबाग में चल रहे प्रदर्शन पर भी रामदेव ने अपने विचार खुलकर रखे। शाहीनबाग के लोग शालीनता के साथ अपने घरों में अपने बाल बच्चों को पालें, अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा संस्कार दें। ये देश अराजकता से नहीं चलेगा, आंदोलनों से नहीं चलेगा। देश को चलाने के लिए हमें अपने अपने लेवल पर अच्छे क्रिएटिव काम करने पड़ेंगे। वहीं बाबा रामदेव ने JNU के छात्रों के लिए क्या कहा, सुनिए। JNU के जितने भी वृद्ध छात्र हैं,
उनको सरकार चाहे पेंशन दे दे, वो वहां पर रह करके टेंशन ना दे। और जिस वजह से जेएनयू के स्टूडेंट इतने दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे थे, तमाम हिंसा भी देखी गई और आखिरकार हाईकोर्ट की तरफ से जेएनयू के छात्रों को राहत मिल ही गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू के स्टूडेंट को बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि छात्रों को फिलहाल पुरानी फीस के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन करने की इजाजत दी जाए। अदालत ने कहा कि इन छात्रों से किसी भी तरह की लेट फीस नहीं ली जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। इससे पहले अदालत में जेएनयू छात्र संगठन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि फीस में बढ़ोतरी गैर कानूनी है। कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रशासन को बड़ी फीस तो वापस लेनी ही चाहिए, जिन छात्रों से पैसे लिए हैं उन्हें भी लौटाना चाहिए। कपिल मिश्रा के ट्वीट के बाद चारों ओर से बयानबाजी का दौर जारी है और इस बीच बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। हमारा मुद्दा रोटी कपड़ा और मकान, उनका मुद्दा हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। स्वराज इंडिया के प्रेसिडेंट योगेंद्र यादव ने कहा है कि वो 30 जनवरी को नेशन वाइड मार्च करेंगे। उनका ये भी कहना है कि जो देश में आंदोलन चल रहे सीए पर, ये सभी आंदोलन संविधान को बचाने के लिए है। जो स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट सीएए के विरुद्ध शुरू हुए थे, वो अब एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का स्वरूप ले चुके हैं, जो कि इस देश के संविधान को बचाने का और इस देश को बचाने का एक आंदोलन है। भारत जोड़ो आंदोलन से आप कह सकते हैं मुहावरे के तौर पर। रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। जैसा कि राउस रेवेन्यू कोर्ट ने सीसी थम्पी, जो कि रॉबर्ट वाड्रा के बेहद करीबी हैं, उनकी रिमांड 4 दिन बढ़ा दी है। दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार सीसी थम्पी की 4 दिन की ईडी रिमांड बढ़ा दी है। थम्पी की जमानत याचिका पर कोर्ट 28 जनवरी को सुनवाई करेगी। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने थम्पी को बीते शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। 6 दिन से थम्पी ईडी की रिमांड पर है। थम्पी पर आरोप है कि उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को रिश्वत के पैसों से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए विदेशों में बेनामी संपत्तियां खरीदने में मदद की थी। वीवो के सीईओ ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब वीवो कंपनी भारत में 7,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। मैन्युफैक्चरिंग फॉर वीवो इन इंडिया हैज बीन एक्सट्रीमली एन इंपॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन ऑफ यू नो वीवो स्ट्रेटजी। Vivo has been deeply invested in manufacturing and is fully supporting the government's Make in India program. Whatever we are selling in India, all of that is being made in India, and it's a very proud feeling for all Vivo customers that whatever they are consuming, using, buying from Vivo, it is all being made by Indian hands in an Indian factory. That's a great proud moment for us as well. Not just this, we have also already announced that we will be expanding our factory and we will be investing, which is Vivo will be investing in India, a total amount of rupees 7,500 crores over multiple phases to ensure that, you know, we really expand and grow our manufacturing capabilities in India. So the Make in India program is very important for Vivo and we fully support it. क्या है आज के शेयर मार्केट का हाल जानना चाहते हैं आप? सीधे चलते हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। आज सबसे पहले बात करते हैं येस बैंक की। इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक ऑन फ्राइडे टॉप्ड द निफ्टी इंडेक्स चार्ट। द बैंक्स शेयर्स हैव गेन्ड ओवर 10% इन जस्ट द लास्ट टू ट्रेडिंग सेशंस। दिस कम्स आफ्टर SBI's चेयरमैन रजनीश कुमार सेड दैट द बैंक विल नॉट बी अलाउड टू फेल। However, market experts and investors are of the opinion that these gains might be short-lived and will remain so until a concrete plan to rescue Yes Bank is brought to the table. बात करें सेंसेक्स और निफ्टी की, तो आज दोनों ही इंडाइसेस में बढ़त देखने को मिली, लेकिन ग्लोबल मार्केट आज भी दबाव में थे। कोरोना वायरस के वजह से हुए डेथ की संख्या इस वक्त 25 पार कर चुकी है। फॉर INS रवि दत्त। न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच हुए T20 मैच में इंडिया ने 19वें ओवर में ही बाजी मार ली। भारत आज न्यूजीलैंड को फर्स्ट T20 में 6 विकेट से हरा दी। 204 का टारगेट भारत ने 19 ओवर में चेज किया। श्रेयस अय्यर 58 रन मारे, जिसकी वजह से वो मैन ऑफ द मैच थे, और इसी दौरान भारत ने 1-0 का सीरीज में लीड ले लिया है। रोहित मुंडयूर फॉर INS TV।
एक्टर अमित साध ने अपनी नई आने वाली वेब सीरीज के बारे में बातचीत की INS से। I think it's just a set of, if not more, 1,000 miracles. You know, I think I'm just very blessed that a miracle after a miracle keeps happening to me. Yeah. I am very grateful to everyone who's a part of my journey, who has a part in making me the way I am right now. Mm-hmm. I'm very happy. Mm-hmm. And but I will always say that the journey has just begun. Yeah, and you've got like an amazing set of work coming up. Yes, I'm very excited, to be honest, for 2020. Yeah. 2018, you know, as an actor, as an artist, you want to be relevant, you want to engage with fans and viewers and audiences. Yeah. But that is, unfortunately or fortunately, in our scheme of work, it's through our work. Yeah. And in 2017, I had a guest appearance in Super 30, yes. Which was special, and fans and people really were happy with what I could do in that beautiful film. And then I had Barrett House, which was a film on Z5, which did apparently very well. But I just think that in 2020, I have more. Mm-hmm. I have Breathe 2, yeah. I have Avrod, and then Shakuntala Devi, and blah, 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 blah. I have a lot of stuff coming. I'm very, very excited to engage with people. इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार.